हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको माल्टा का मोस्ट फेमस चर्च दिखाते हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ पे बम भी चला था। आज आपको उसके बारे में बताते हैं और दिखाते हैं। ये शेल्टर्स बने हुए हैं,
ये जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी ये तब उन्होंने यूज़ किया था। ये शेल्टर्स बने हुए हैं लोग यहाँ पे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो तब लोग जो है ना इस बेसमेंट में रहते थे, तो ये सारी उन्होंने अपनी सकाफत की और ये अपनी सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं जो उस टाइम पे यूज़ होती थी। तो इसी तरह आपको और चीज़ें भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये कुछ साइडें उन्होंने बंद कर दी हुई हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कुछ रास्ते जो है इन्होंने बंद किए हुए हैं, इनके अंदर भी छोटे छोटे से रूम बने हुए हैं, ये शेल्टर्स बने हुए हैं। और अभी हम बाहर जाने का रास्ता आपको दिखाते हैं। ऐसे ही माल्टा में बहुत से, जैसे ये देखें, ये यहाँ पे भी रास्ते कुछ बंद किए हुए हैं इन्होंने, तो ये ज़मीन के नीचे ही इन्होंने बनाए हुए हैं सारे ये शेल्टर्स बनाए हुए हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये देखें पूरी खुदाई करके ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ये हम एग्जिट में हो गए, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये भी यूज़ की गई थी, ये भी बरतानिया की है। और ये अभी क्रिसमस का ट्री बना रहे हैं। ये चर्च है, आपको चर्च का फ्रंट व्यू दिखाते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं चले आपको चर्च के अंदर का विज़िट भी करवाते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको चर्च के अंदर का विज़िट भी करवाते हैं आज। पहले इसकी एंट्री फ्री होती थी लेकिन अभी टूरिस्ट के लिए पे करना पड़ेगा। ये इसकी एंट्रेंस है, एक इस साइड से और एक इस साइड से। चर्च के अंदर थोड़ा काम चल रहा है, और देखिए कितना खूबसूरत चर्च है। अगर आपको ये निशान बीच में नज़र आता हो, आज भी वो निशान उधर ही मौजूद है जहाँ पर
वो मज़ा ही लगा था। चर्च खाली पड़ा हुआ है। And that side is closed? That you can go through there first on that side. All right. There's a video, see? And then go down on that side. And then there's on that side. जी आपको चर्च का क्लोजअप दिखाते हैं। यहाँ पे क्लोज किया हुआ है साइड पे, ये जहाँ पे मिडल में आपको नज़र आ रहा है इस साइड पे ये बम गिरा था। ये अंदर मशीन लगाई है चर्च को डेकोरेट करने के लिए, इन्होंने इसके ज़रिए डेकोरेशन करेंगे जैसा कि अभी आपको दिख रहा है। अभी आपको म्यूज़ियम की तरफ लेके जाते हैं जहाँ पे बम पड़ा हुआ था। ये हम स्टिल चर्च के अंदर हैं, ये चर्च की बैक साइड है। यहाँ पे फादर लोग बैठ के अपनी दुआ करते हैं। ये देखिए जी हिस्ट्री लिखी हुई है, कौन कौन से सन में कौन कौन सा बंदा यहाँ पे आया, मतलब फादर लोगों में से। ये देखिए ये वो बम है जो इस चर्च में गिरा था, और आप इसको देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना हैवी हो सकता है और कितना बड़ा है। ये इसकी डिटेल लिखी हुई है। 1942 में ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी
अप्रैल में ये चर्च है। तो ये देखिए, ये यहाँ से बम अंदर गया था और ये बम होते हुए ऐसे ही अंदर चर्च के गया। तो मतलब इतना पावरफुल खुदा की ब्लेसिंग है कि देखें, एक चर्च के अंदर बम गिरा भी तो वो चला नहीं, और वो आज भी यहाँ पर मौजूद है, ये देख सकते हैं आप। ये छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं, ये कम से कम 4 फीट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि ये देखें कितना बड़ा ये बम है। ये देखें, मैं इसके पास खड़ा हूँ और ये कितनी हैवी, मतलब इसकी लेंथ नज़र आ रही है और कितना ये बड़ा है। ये कम से कम 4 फीट का होगा। चलें जी, इसी के साथ हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।